श्राद्ध पक्ष के बाद अश्विन माह की नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्रि के व्रत प्रारंभ हो जाते हैं। इस नवरात्र में गरबा उत्सव की धूम रहती है। प्रतिवर्ष माता के आगमन का वाहन अलग अलग होता है, हर वाहन का अलग संकेत है और प्रभाव भी माना गया है। इस बार माँ दुर्गा डोली में बैठकर आ रही हैं। इस बार 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व चलेगा। इस साल गुरुवार के दिन घटस्थापना होने वाली है। इस हिसाब से माता दुर्गा का आगमन डोली पर होने वाला है, जिसे शुभ नहीं माना जा रहा है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार माता का डोली पर आगमन शुभ नहीं माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि चैत्र नवरात्र तक मानव जीवन पर सेहत संबंधी कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाएगा और प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ने की पूरी संभावना है। अगले वर्ष की अपेक्षा ठंड इस बार बहुत ज्यादा रहेगी। देश और दुनिया में असंतोष बढ़ने के कारण आंदोलन भी बढ़ने की संभावना है। लोगों को अपने जीवन को सुरक्षित रखने की सलाह दी जा सकती है। हर बार नवरात्रि में माँ दुर्गा अलग अलग सवारी पर आती हैं और उनकी सवारी से भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाया जाता है। इस बार नवरात्र में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। देवी पुराण के अनुसार माता के पालकी में सवार होकर आने को शुभ माना गया है, लेकिन इस बार माँ दुर्गा के सवारी पर आने का संबंध महामारी से बताया जाता है। माँ के पालकी पर बैठकर आने की वजह से देश में बीमारी और महामारी की आशंका जताई जा रही है। माँ का पालकी पर आना अर्थव्यवस्था के बिगड़ने का एक संकेत हो सकता है। इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं का खतरा मंडरा सकता है, पड़ोसी देशों में हिंसा फैल सकती है और लोग बीमारियों का शिकार हो सकते हैं।